अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए ये जेब लेके आई हूँ, ठीक है। आज हम ये जेब बनाना सीखेंगे। अक्सर स्वेटर्स में हम लोग जेब डालते हैं, तो एक परफेक्ट तरीके से कैसे हम जेब बना सकते हैं आज हम ये सीखेंगे। ये देखें, इसकी बैक है, देखें बैक से बिल्कुल भी कहीं से नहीं पता चल रहा कि ये कैसे बनाई गई है, और बहुत खूबसूरत नीट बनी है, देखें देखें। चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आप अपने स्वेटर का बॉर्डर बना लें, कि बॉर्डर बनाने के बाद जितने घर आपने बनाने हैं, बना के जहाँ से आप चाहते हैं कि यहाँ से आपकी जेब जो है वो स्टार्ट हो, ठीक है, वहाँ से आपने स्टार्ट करनी है। मैं सिर्फ आपको ये एक मॉडल बता रही हूँ कि इस तरह से जेब जो है बनानी है, सिर्फ तरीका आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने अपने बटन पट्टी के घर छोड़ने होंगे, उसके साथ कुछ घर छोड़ने होंगे, ठीक है। मैंने बटन पट्टी वगैरह तो नहीं रखी, ठीक है, मैंने सिर्फ जस्ट आपको सिखाने के लिए। मैं यहाँ पे 6 घर जो है यहाँ पे छोड़ रही हूँ, और 6 घर यहाँ पे छोड़ के, और बीच के जो घर है इसमें मैं जेब बना रही हूँ, ठीक है। पहले जो घर में 6 छोड़ रही हूँ वो बुन लेते हैं, ठीक है। 2 3 4 5 और ये 6, कि यहाँ से अब मैंने अपनी जेब जो है वो स्टार्ट करनी है। क्या करना है, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये घर सीधा बना लेंगे, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और ये घर सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे ये घर सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और ये घर सीधा बना लेंगे। ऐसे ही हमने अपनी ये वाली जो रो है, जितने हमारे जेब के जो घर हैं, ठीक है, वो हमने ऐसे बना लेने हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे और एक सीधा बनाते जाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे और एक सीधा बनाएंगे। इस तरह जो है ना घर बढ़ रहे हैं हमारे, एक एक घर जो है वो बढ़ता जा रहा है, हर घर के साथ एक घर एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। ये देखिए हमने यहाँ 2 4 और 6 घर छोड़ने हैं, एक रह गए। ये देखिए ये जो मेरे जेब के घर है ये मैंने बना लिए, बाकी के जो 6 घर हैं वो हमने ऐसे ही सीधे बना लेने हैं। पांच और ये 6, ठीक है, स्टिच को मिला के 6। अब हमारी ये बैक की रो है, इसे भी जो ये 6 घर है इसको हमने उल्टे बना लेने हैं। देखिए ये 6 घर हम ऐसे उल्टे उल्टे बना लेते हैं, हमने 3 और 3 6 उल्टे घर बना लिए। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने ये घर जो यहाँ से बुना था सीधा, उसको यहाँ से स्लिप करेंगे, ठीक है। और जो ये घर हमने एक्स्ट्रा यहाँ से देखे बढ़ाया है, ये देखें नज़र आ रहा है, इसको हमने उल्टा बना लेना है, ठीक है, इसको स्लिप करेंगे और इसको उल्टा बना लेंगे, एक स्लिप और एक उल्टा। स्लिप जो है इस घर को करना है जो यहाँ से सीधा बुना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये ना आप इसको स्लिप करते रहे और इसको बुनते रहे, स्लिप जो है इसको करना है और इस वाले को आपने उल्टा बनाना है, ठीक है। ये इसको स्लिप करेंगे और ये देखें ये जाली सी डली हुई है, इसको हमने उल्टा बुनते जाना है, स्लिप और ये उल्टा, स्लिप और ये उल्टा, इसको स्लिप करेंगे और ये उल्टा बुनते जाएंगे। देखें ये देखें, एक स्लिप करेंगे और इसको उल्टा बुन लेंगे, ये स्लिप करेंगे और इसको उल्टा बनेंगे, इसको स्लिप करेंगे और ये उल्टा बनेंगे। अब देखें इसको स्लिप करेंगे और ये उल्टा बनेंगे। ये जो 6 घर हैं हमारे जो हमने साइडों पे छोड़े हैं, इनको हमने ऐसे ही उल्टा बना लेना चाहिए। मैंने 6 जो छोड़े हैं, आपके ज़ाहिर है ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन 6 घरों को फिर से ऐसे सीधा सीधा ही बना लेना है। ये देखिए ठीक है, ये मैंने 6 घर जो है सीधे बना लिए। अब देखिए अपने बात को समझना है। अब देखिए हमने इस साइड पे जो बैक की रो थी, हमने इस घर को बुना था, ये जो हमने एक्स्ट्रा लिए थे और इसको स्लिप किया था। अब इस वाले साइड पे जो हमारी ये सीधी साइड है, इस पे हमने इस घर को बुनना है, ये वाले जो घर है हमारे,
इनको बुनने है, और जो ये घर है इसको हमने हर दफ़ा स्लिप करते जाना है, और जो बैक साइड की हमारी रो है उसमें हमने इस घर को बुनना है और इसको स्लिप करना है। यानी कि जो इस साइड से बुनेंगे वो उस साइड से स्लिप होगा, और जो इस साइड से स्लिप होगा वो इस साइड से बुना जाएगा। देखिए हमने इसको बुना था उस साइड से, इसको स्लिप करेंगे, लेकिन कैसे स्लिप करेंगे, धागा हमने अपनी तरफ करके इसको स्लिप करना है और फिर धागा पीछे लेके जाना है, ऐसे स्लिप नहीं करते जाना। अब हमने इसको सीधा बुन लेना है, इसको सीधा बना के अब अगले को फिर स्लिप करना है, लेकिन धागा पहले आगे करेंगे, इसको स्लिप करके और फिर धागा पीछे लेके जाएंगे। इस साइड पे जब हमने स्लिप करना है तो ऐसे करना है। अब ये देखें, इसको सीधा बना लिया, धागा अपनी तरफ किया, इसको स्लिप किया, धागा फिर पीछे किया और इसको सीधा बना लिया, फिर धागा आगे करेंगे। इस घर को हमने हर दफ़ा स्लिप करना है, लेकिन स्लिप कैसे करना है, हमने धागा आगे रख के स्लिप करके धागा पीछे लेके फिर इसको सीधे बना लेना है। यहाँ बैक साइड पे धागा आगे पीछे करने का कोई इशू नहीं है, लेकिन इस साइड पे आपने इस चीज़ का ध्यान देना है। धागा अपनी तरफ करेंगे, इसको स्लिप करेंगे, धागा फिर पीछे करेंगे और फिर इसको सीधा बुनेंगे। ठीक है, ये ना हो कि आप इसको ऐसे स्लिप करते जाएं और ये सीधा बुनते जाएं, ऐसे स्लिप करते जाएं, ऐसा नहीं करना। धागा आपने आगे करना है, इसको स्लिप करना है, फिर धागा पीछे ले जा के इसको सीधा बुनना है। ठीक है, धागा आगे करेंगे, इसको स्लिप करेंगे, धागा पीछे और ये सीधा बुन लिया। धागा आगे किया, इसको स्लिप किया, धागा पीछे और ये सीधा बना लिया। फिर से देखें, धागा आगे किया, इसको स्लिप किया और इसको स्लिप करने के बाद धागा पीछे लेके जाएंगे और फिर इसको सीधा बुनेंगे। धागा आगे करेंगे, इसको स्लिप करेंगे, धागा पीछे और ये सीधा बना लेंगे। इस चीज़ का आपने ध्यान देना है, धागा आगे करना है, स्लिप करना है इसको और फिर देखें ना, धागा पीछे लेके जाना है और फिर इसको सीधा बुनना है। धागा आगे करेंगे, इसको स्लिप करेंगे, धागा पीछे लेके जाएंगे, इसको सीधा बना लेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमने ये वाली जो हमारी सीधी साइड की रो है इसको हमने ऐसे कंप्लीट करना है। ठीक है, देखें ये हमारा लास्ट वाला था, इसको मैंने ऐसे किया, इसको सीधा बना लिया। बाकी के हमारे छह घर हैं इसको हमने ऐसे सीधे ही बना लेने हैं। देखें फिर हम बैक साइड पे आ गए हैं, ये हमने छह घर उल्टे बना लेने हैं। ये छह घर उल्टे बनाने के बाद अब देखें यहाँ पे हमने क्या करना है, इस घर को हमने यहाँ से बुना था, इसको इसको स्लिप करेंगे और इस वाले को हमने उल्टा बना लेना है। यहाँ पे धागे को आगे पीछे करने का कोई मसला नहीं है। अभी देखें आपको नज़र आ रहा है कि ये जो घर है ये यहाँ से बुना हुआ था। ठीक है, इसको हमने ऐसे स्लिप कर लेना है और ये वाला घर जो है इसको बुनेंगे उल्टा। देखिए इसको स्लिप करेंगे, इस साइड से बुना था, ये देखें ये सीधा घर हमने बुना था, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है ये सीधा घर, इसको हमने अब यहाँ पर स्लिप किया और इसको हमने उल्टा बुन लेना है। तो स्लिप करेंगे, इसको उल्टा बुनेंगे, ये स्लिप किया, इसको उल्टा बुना, स्लिप किया, इसको उल्टा बुना। ठीक है, ये स्लिप किया और ये उल्टा, स्लिप किया उल्टा, स्लिप उल्टा, स्लिप और ये उल्टा, स्लिप और ये उल्टा, स्लिप उल्टा, स्लिप ये उल्टा बनेंगे, इसको स्लिप करेंगे, इसको उल्टा बन लेंगे। ठीक है, अब ये बाकी के जो हमारे छह घर है इसको तो हमने उल्टा ही बनाना है, ऐसे ये हम उल्टा उल्टा बन लेंगे। ये देखिए, अब इसे देखें इसको हमने क्या करना है, ये छह घर हमने सीधे बना लिए, वैसे जैसे अभी हमने इससे अगली बार रो में किया वैसे ही हमने करना है। ठीक है, ये घर यहाँ से देखिए बुना गया है और यहाँ से इस घर को स्लिप किया गया है। अब हमने इस घर को स्लिप करना है, लेकिन कैसे, धागा आगे करेंगे, इसको हम स्लिप करेंगे। ठीक है, जो यहाँ से बुना था उसको धागा पीछे लेके जाएंगे और इसको हमने सीधा बना लेना है। ठीक है, धागा आगे करेंगे, इस वाले को हमने देखिए नज़र आ रहा है कि ये बुना हुआ है, ये ऊपर है और ये नीचे है, ये नहीं बुना हुआ है, बगैर बुने लिया हुआ है। धागा आगे करेंगे, फिर इसको हमने स्लिप करना है, धागा पीछे लेके जाएंगे और इसको फिर सीधा बना लेंगे। धागा आगे करेंगे, इसको स्लिप करेंगे, फिर धागा पीछे लेके जाएंगे और इसको सीधा बना लेंगे। धागा आगे करेंगे, इसको स्लिप करेंगे, धागा पीछे लेके जाएंगे और फिर इसको सीधा बना लेंगे।
धागा आगे, इसको स्लिप किया, धागा पीछे और फिर इसको सीधा बनाना है। ठीक है, इसको हम स्लिप करेंगे, धागा पीछे लेके जाएंगे और ये सीधा। ऐसे ही करते हुए हमने ये जो अपनी सीधी साइड की जितनी भी रोज़ अब हमने बनानी है वो ऐसे ही बनानी है। ठीक है, जो इस साइड से बुना जाएगा वो उस साइड से स्लिप होगा और जो उस साइड से बुना जाएगा वो इस साइड से स्लिप होगा। ठीक है, लेकिन जब हम इस साइड से स्लिप करेंगे तो उससे पहले धागा आगे करेंगे, स्लिप करके और फिर धागा पीछे लेके जाएंगे और अगला सीधा बना लेंगे। बस इस चीज़ का अपने ध्यान देना है। ये देखिए, ये धागा आगे किया, इसको स्लिप किया, धागा पीछे और फिर ये सीधा बना लिया। यहाँ से देखें, अब हमने ये हमारे जो छः घर रहते हैं, 2, 4 और 6, हमने इनको नहीं बुनना, यहीं से हमने अब टर्न कर लेना है। ठीक है, इसको नहीं बुनना और अब हमने यहीं से आगे कंटिन्यू करना है। इसकी वजह ये है कि जो ये हमारे जेब के घर हैं, ठीक है, वो उसकी एक ही सिलाई बुनी जा रही है यहाँ से, और यहाँ से जो सिलाई बुनी जा रही है वो दूसरे पार्ट की, यहाँ से दूसरा पार्ट हमारा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होगा तो फिर आपको समझ में आएगा। तो ये जो है, अब अगर हम ये हर दफ़ा बुनते ही जाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा, क्योंकि ये एक सिलाई बुनी जा रही है और ये दो दो बुनी जा रही है। इसलिए एक दफ़ा जो है वो हमने जब दो सिलाइयाँ बुनेंगे सीधी और उल्टी तो ये साथ बुनेंगे, लेकिन दूसरी दफ़ा में हमने इनको स्किप करना है, यहीं से टर्न कर लेना है, यहीं से टर्न करके बाकी हमने वहीं से आगे से कंटिन्यू कर लेना है। अब देखिए, हमने ये वाला घर जो है, देखिए यहाँ पे बुना हुआ है, इसको स्लिप करेंगे और ये बगैर बुने इसको स्लिप करेंगे और इसको हमने उल्टा बना लेना है। ये बुना था इस तरफ से, देखिए इसको स्लिप किया है, ये यहाँ से पता चल रहा है कि ये स्लिप किया हुआ है और ये बुना हुआ है और ये स्लिप किया हुआ है, तो हम इसको स्लिप करेंगे और इसको उल्टा बुनेंगे। इस साइड पे धागा आगे पीछे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये देखें इस वाले को स्लिप करेंगे जो बुना है वहाँ से, और इसको हमने उल्टा बना लेना है। इसको स्लिप करेंगे, इसको उल्टा बनाएंगे, इसको स्लिप करेंगे और इसको उल्टा बना लेंगे, इसको स्लिप करेंगे, इसको उल्टा बना लेंगे, स्लिप करेंगे और ये उल्टा बना लेंगे, इसको स्लिप करेंगे, इसको उल्टा बना लेंगे, स्लिप और ये उल्टा, स्लिप और ये उल्टा, स्लिप और इसको उल्टा बना लेंगे, स्लिप और इसको उल्टा, स्लिप और ये उल्टा, इसको स्लिप करेंगे, ये उल्टा बना लेंगे। ये देखिए, मैं इसके एंड में आ गई हूँ। यहाँ पर भी देखें अब हमने क्या करना है, इसको स्किप किया, इसको उल्टा बना लेंगे। हमारे ये 6 घर रहते हैं, यहीं से हमने टर्न कर लेना है। ठीक है, इस साइड से हमने किया, अब इस साइड से भी करेंगे। ठीक है, यहीं से हम वापस लेके आएंगे, देखें यहीं से आगे अब हमने कंटिन्यू करना है। ठीक है, इसको हमने स्किप करना है, स्लिप करना है, धागा पीछे लेके जाएंगे और इसको सीधा बना लेंगे, इसको स्लिप करना है, धागा पीछे लेके जाएंगे और इसको सीधा बना लेंगे। ये अब हमने पूरी सिलाई जो है वो ये पूरी बनाते जाना है, अभी ये पूरा ये भी बनाएंगे यहाँ से। एक दफ़ा में हमने ये पूरी रो बनानी है दोनों साइड से, लेकिन दूसरी दफ़ा जब हम आएंगे तो हमने यहाँ से टर्न कर लेना है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ, धागे किया, आगे किया, इसको स्लिप किया, धागा पीछे किया, ये देखें इसको सीधा बनाना है। ये देखिए, ये साइड की जो रो है वो तो ऐसे ही बनेगी, मैंने आपको बताया, धागा आगे करेंगे, ठीक है, इसको स्लिप करेंगे और ये सीधा बना लेंगे। देखिए ऐसे धागा आगे करेंगे, इसको स्लिप करेंगे, धागा पीछे लेके जाएंगे और सीधा बना लेंगे। अब देखिए, हमारे ये 6 घर जो हैं, इससे पीछे वाली रो में हमने यहाँ से टर्न कर लिया था, हमने नहीं बुने थे लेकिन अभी हमने बुनने हैं। ठीक है, ये 6 घर हैं, इनको हमने यहीं से सीधा बुन लेना है। ऐसे ही अब ये इस साइड की रोज़ ऐसे बनाएंगे और इस साइड की जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही बनाते जाएं, जहाँ तक आपको जेब आपने बनानी है उतनी बना लें, फिर उससे आगे मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, जितने मुझे घर चाहिए थे मैंने उतने बना लिए। अब यहाँ पे मैंने बॉर्डर बनाना है। ठीक है, यहाँ से अब मैंने
यहाँ पे बॉर्डर बनाने के देखें आप, ये आपको डबल दिखाई देगा, ये आप देखें, ये देखें, ये एक ही साइड पे बन गई है हमारी और एक ही साइड पे, ठीक है। ये देखें, ये हमारी जेब है। अभी हमने इनको अलग अलग करना है, लेकिन उससे पहले हमने बॉर्डर बना लेना है। बॉर्डर बनाने के बाद फिर हम अपनी जेब को इससे अलग कर लेंगे। अब देखिए बॉर्डर कैसे बनाना है, ये छेगा तो हमने सीधे ही बना लेने हैं, ठीक है। ये जो हमारे ज़रा आपके इधर बटन पट्टी होगी जो आपके घर है, बना लें, ठीक है। अब हमने जिस तरह इसको पहले वाले इसको स्लिप करते रहे, ऐसे इसको स्लिप करेंगे, ठीक है। इस घर को हमने सीधा बना लेना है। बॉर्डर आपको मैं एक सीधा और एक उल्टे का बना रही हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ये नीचे बॉर्डर बनाया, एक सीधे और एक उल्टे का, ये देखिए मैंने सीधा घर ले लिया। अब मुझे दूसरा उल्टा घर चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, धागा अपनी तरफ करके इसको जैसे हम पहले स्लिप करते रहे हैं, स्लिप ही करेंगे, लेकिन स्लिप करने के बाद हम धागा पीछे करके अगला सीधा बनाते रहे। लेकिन अब हमने इसको उल्टा बनाना है, हमें धागा आगे ही चाहिए, इसको स्लिप करके हमने इसको उल्टा बना लेना है, ठीक है। ये देखें, ये घर मैंने सीधा बनाया और ये वाला उल्टा, जो स्लिप किए हुए घर हैं ये बैक से इसके इस वाले हैं, इसके हैं, ठीक है। अब देखिए हमने ये सीधा बना लिया, अब हमने क्या करना है, धागा पीछे लेके जाएंगे, नहीं इसको हम स्लिप करेंगे, स्लिप करने के बाद धागा पीछे लेके जाएंगे और इसको सीधा बना लेंगे, ठीक है। अब हमने सीधा बना लिया, उल्टा बनाना है, धागा अपनी तरफ करेंगे, इसको स्लिप करेंगे, स्लिप करने के बाद हमने इसको उल्टा, धागा अपनी तरफ रखना है, इसको उल्टा बना लेना है। उल्टा बना के स्लिप किए हुए को फिर स्लिप करेंगे, धागा पीछे लेके जाएंगे और इसको सीधा बना लेंगे, ठीक है। अब देखें एक सीधा एक उल्टा आ रहा है, ये सीधा है, ये उल्टा है, सीधा है, ये उल्टा, बीच में जो है वो स्लिप किए हुए हमारे घर है, ठीक है। अब देखें फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, इसको हम स्लिप करेंगे और इसको हमने उल्टा बनाना है। उल्टा बना के स्लिप किए हुए को फिर स्लिप करेंगे, धागा पीछे लेके जाएंगे और इसको सीधा बना लेंगे। एक सीधा और एक उल्टा बनाना है। अब सीधा बना लिया, उल्टा बनाना, दूसरा क्या करेंगे, धागा आगे करेंगे, इसको स्लिप करेंगे और इसको हमने उल्टा बना लेना है। उल्टे के लिए धागा आगे ही चाहिए, उल्टा बना लेंगे, फिर हमने इसको स्लिप करना है, धागा पीछे लेके जाना है और इसको सीधा बना लेना है। फिर उल्टा बनाना है, धागा आगे करके इसको स्लिप करेंगे, इसको उल्टा बनाएंगे, इसको स्लिप करके धागा पीछे लेके जाएंगे और इसको सीधा बना लेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, इसको स्लिप करेंगे। अब देखिए हमने उल्टा घर चाहिए, हमने इसको उल्टा बनाना है, इसको स्लिप करना है, धागा पीछे लेके जाएंगे और इसको सीधा बना लेंगे। फिर से देखिए धागा आगे करेंगे, इसको स्लिप करेंगे, इसको हमने इसे उल्टा बना लेना है। ये हमारे छः घर है। अब हमने यहाँ से टर्न करना था, इसको टर्न कर लूँगी इधर से। टर्न करने के बाद जो हमारे बैग की जो रो जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बनाना है, इसको स्लिप करना है, इसको उल्टा बना लेना है, इसको स्लिप करना है, इसको उल्टा, जैसे हम बैग की रो बनाते हैं वैसे ही इसको बनाना है, ये स्लिप करना है और ये उल्टा, इसको स्लिप करना है, ये उल्टा बनाना है। जो उस तरफ से बुना है उसको स्लिप करेंगे और इसको उल्टा बना लेंगे। बैक साइड की रो वैसी ही है जैसी हम बनाते आए हैं, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ऐसे स्लिप करेंगे, इसको उल्टा बनेंगे, एक स्लिप और एक उल्टा, इसको उल्टा, यहाँ से हमने टर्न कर लेना। टर्न करने के बाद वैसे ही हमने जैसे रो हमने इससे पहले वाले बनाई वैसे ही बनानी है। देखिए इसको हमने स्लिप किया, इस घर को हमने सीधा बना लेना है, धागा अपनी तरफ करेंगे, इसको स्लिप करेंगे, ये उल्टा है, देखें इसको हमने उल्टा बना लेना है, फिर से इसको स्लिप करेंगे, धागा पीछे लेके जाएंगे और इसको सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, इसको स्लिप करेंगे, ये घर हमारा उल्टा है, इसको उल्टा बना लेंगे, इसको स्लिप करेंगे, धागा पीछे लेके जाएंगे और इसको सीधा, धागा आगे, इसको स्लिप किया, ये देखिए हमारा उल्टा घर है, उल्टा बनाना है, एक उल्टा और एक सीधा, जैसे बॉर्डर होता है वैसे ही है, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, ठीक है। इसको स्लिप करके फिर धागा पीछे लेके जाएंगे, इसको सीधा बना लेंगे,
धागा अपनी तरफ करेंगे, इसको स्लिप करेंगे, इसको उल्टा बना लेंगे, फिर इसको स्लिप करेंगे, धागा पीछे और ये सीधा, एक सीधा और एक उल्टा बनाना है। स्लिप किया देखें ये उल्टा है, इसको उल्टा बना लेंगे, फिर इसको स्लिप किया ये सीधा है तो इसको सीधा बना लेंगे, धागा आगे करेंगे, इसको स्लिप किया ये देखें ये उल्टा घर है, इसको उल्टा बनाना है, फिर इसको स्लिप किया धागा पीछे लेके जाएंगे, इसको सीधा बना लेंगे। धागा आगे किया, इसको स्लिप किया, ये घर हमारा उल्टा है। ठीक है, अब हमने ये बना लेने छह घर, क्योंकि पहले हमने इसको टर्न कर लिया था, लेकिन इस दफ़ा ये बनेगा। एक दफ़ा हमने नहीं बनाने हैं छह घर, और एक दफ़ा बनाने हैं। देखिए हम फिर से अब बैक रो पे आ गए हैं, ये छह घर इसको हमने स्लिप किया, ये छह घर उल्टे बना लेंगे, दो तीन चार पाँच और ये छः। ठीक है, अब हमने इसको स्लिप करना है, जैसे हम उल्टी रो बनाते रहे वैसे ही हमने बनानी है, स्लिप करेंगे और ये उल्टा, स्लिप करेंगे और ये उल्टा। अब ये हमने छह घर जो हैं वो उल्टे बना लेने हैं। ये देखिए हमारे बॉर्डर का एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा घर आ चुका है। ऐसे ही हमने कुछ रोज़ बना लेनी है जितना हमें बॉर्डर चाहिए। देखिए जितना मुझे बॉर्डर चाहिए था मैंने उतना बुन लिया। अब हमने आगे क्या करना है, अब हमने देखें इस बॉर्डर को और ये जो पिछला हिस्सा है और अगला हिस्सा है इसको हमने सेपरेट करना है, अलग अलग करना है। ठीक है, ये देखें हमने ये छह घर तो हम उल्टे ही बना लेंगे, चार पाँच और ये छः, ये छह घर जो थे उल्टे ये तो हमने उल्टे बना लिए। अब हमने इन घरों को पिछले और अगले जो घर है ये हमने अलग अलग करने हैं। मैं इसके लिए ये दो पॉइंटेड नीडल ले रही हूँ, ठीक है, इस पर मैं अपने घर जो हैं वो अलग अलग कर लेती हूँ। ये देखें इस घर को मैंने इस सिलाई पे उतारा और इसको मैं अगले वाले को इस पर उतार लेती हूँ। ये देखें इसको इस पर उतार लेंगे, ये पीछे वाले जो हैं इसको इस पे और अगले वाले हिस्से के इसके पे ले रही हूँ। ये देखिए ऐसे, ये देखिए थोड़ा सा एहतियात से करना है, कोई घर गिर ना जाए, इसमें अक्सर जो है ना घर गिर जाता है, बहुत एहतियात के साथ आपने काम करना है। ये देखें ऐसे, अगर आपके पास पॉइंटेड नीडल नहीं है कोई मसला नहीं है, आप कोई भी और आपके पास एक्स्ट्रा सिलाइयाँ पड़ी हैं तो आप उस पर इसको ऐसे उतार लें, करो अलग अलग कर लें ऐसे। देखें ये हमने घर जो हैं ये अलग अलग कर लिए हैं। ठीक है, ये देखें ये घर जो छह हैं ये तो अलग से हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमारे जो ये अगले हिस्से के घर हैं ये देखें ये जो बॉर्डर बुना हुआ है इनको अब हमने ख़त्म करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये छह घर हमने बुने हैं यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, इन घरों को अब हमने ख़त्म कर देना है। आप क्रोशिया की मदद से भी कर सकते हैं, सिलाई की मदद से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, दो घर में सिलाई डाली ऐसे, दोनों से निकाल लिया, वापस इस पर चढ़ाया, फिर से देखें ऐसे, ये देखिए बाइंड ऑफ जैसे करते हैं वैसे ही अब हमने इन घरों को बाइंड ऑफ कर लेना है। ठीक है, ये देखें
बॉर्डर के जो हमारे घर हैं, जेब के जो हमने बॉर्डर ऊपर डाला है, उन सारे घरों को हमने ऐसे बाइंड ऑफ कर देना है। देखिए इस घर को हम इसलिए भी चढ़ा देते हैं। ये देखिए हमारे जो जेब के घर हैं ये हमने बाइंड ऑफ कर दिए यहाँ पे। ठीक है, अभी देखिए एक हमारा ये घर बचता है तो इसको हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं इसको भी। बाकी के जो हमारे घर हैं 6 घर, इसको हम ऐसे ही टोटा बना लेते हैं। ये देखिए हमारे जो ये जेब के घर थे ये हमने पॉइंट ऑफ कर दिए हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ से देखें ये हमने 6 घर हैं, इसको हम ऐसे बुन लेते हैं। ठीक है, ये हमने सीधे बुन लिए। ये अब हमने ये जो पीछे वाले हमारे ये देखें ये घर हैं, ये भी अब हमने इसी सिलाई पे ऐसे बुन लेने हैं। ये देखें ऐसे ये सारे घर हमने ऐसे सीधे सीधे इस पे अब हमने ये जो 6 घर हैं इनको भी इसी सिलाई पे बना लेना। ये देखिए देखिए हमारी जेब बनकर रेडी हो चुकी है। देखें ये हमारी जेब, देखें ये रेडी हो चुकी है। यहाँ से ऊपर आप अपने अपने कंटिन्यू रखना है, अपने स्वेटर ऊपर बना लें। इसकी बैक देखें, बिल्कुल कोई जोड़ नज़र नहीं आ रहा, कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा किसी को कि ये कैसे बनी है। देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल सफाई के साथ बनी है। देखें कोई जोड़ कुछ भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। देखें मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।